तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने कंप्यूटर के लैपटॉप या ब्राउजर में चले आना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप ब्राउजर ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप अपना खुद का जो ब्लॉगर वेबसाइट है उसमें लॉगिन हो जाइए। तो मैं यहाँ पे आप देख सकता हूँ, तो सबसे पहले दोस्तों आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के जो ब्राउजर है उसको ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं आप अपना ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ। ब्राउजर को ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको ब्लॉगर में लॉगिन हो जाना है। तो हम चलिए ब्लॉगर में लॉगिन हो गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो पेज बनाया था, हमारा जो वेबसाइट है वो देख सकते हैं, ये है आज की बात, हमने ये वेबसाइट को बनाया था अपने ब्लॉगर पर। तो इसी में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे यहाँ पर फेसबुक पेज को ऐड कर सकते हैं, इस फेसबुक पेज को हटाकर आप खुद का फेसबुक पेज कैसे ऐड कर सकते हैं। तो फेसबुक पेज ऐड करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले एक फेसबुक पेज बनाना होगा। अगर आप फेसबुक पेज बनाना नहीं जानते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ पर जाकर फेसबुक पेज बनाने के लिए सीख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको एक कोड कॉपी करनी पड़ेगी। तो कोड कॉपी करने के लिए आपको कहाँ जाना है, हमारे वेबसाइट पे आप चले आइए, मैं भी इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप इस वेबसाइट पे चले आइए और यहाँ पे आपको जो है, तो यहाँ पे आपको ये जो कोड है, ये कोड को यहाँ से यहाँ तक आपको कॉपी कर लेना है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक दोस्तों कॉपी करें। कॉपी करने के बाद दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा www.facebook.com, यहाँ पे टेक्नोलॉजी आईडी, इस करके यहाँ पे हमारा पेज जो है, पेज का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर खुद का पेज लिंक जो है डाल देना है। तो यहाँ पे कैसे फेसबुक पेज लिंक को निकालते हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ। आप फेसबुक पे लॉगिन जैसे ही होंगे तो यहाँ पे आपको अपना फेसबुक पेज में अकाउंट, तो यहाँ पे आप अपने पेज में चले जाइए फेसबुक पेज में, और यहाँ पे ऊपर में आप लिंक देख रहे होंगे तो इसको छोड़ देना है और यहाँ पे आपको यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है। उसके बाद जो है आप इसे वर्डपेड में, इस कोड को वर्डपेड में कॉपी कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ से यहाँ पर आपको डिलीट कर देना है और वो कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और जो है आप अपना फेसबुक पेज को जो का जो लिंक है यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। तो उसके बाद आप यहाँ से पूरा कॉपी कर लें, उसके बाद यहाँ से पूरा कॉपी कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको चलना है ब्लॉगर में, अपने ब्लॉगर के में चले जाइए और यहाँ पे लेआउट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। लेआउट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस होगा। तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन सबसे नीचे चले जाना है। चलिए हम नीचे चले जाते हैं और जहाँ पे आपको फेसबुक दिखे वहाँ पर रुक जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं साइड में, यहाँ पर फेसबुक हमारा दिख रहा है, ये हमारा फेसबुक यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये सारा डिफॉल्ट सेटिंग होगा, इसको आप रिमूव कर दीजिए। तो यहाँ पे आप अपना फेसबुक का नाम लिखना चाहते हैं तो फेसबुक का नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, तो ये हमारा फेसबुक का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे जो आपने कोड को कॉपी किया उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो हमने चलिए यहाँ पे, ये मैं फिलहाल आपको बताने के लिए ये कोड कॉपी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको अपना फेसबुक पेज का लिंक जब यहाँ पे दे देंगे तब आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए। और यहाँ पे जो है हमारा जो यहाँ पर था, मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे जो है मैं कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। सेव के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर वेबसाइट को एक बार जो है अपने ब्लॉगर को फिर से रिफ्रेश कर लीजिए। तो आप कुछ ही देर में देख पाएंगे कि यहाँ पर फेसबुक का पेज जो है ऐड हो गया होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है दोस्तों।
यहाँ पे अभी रिफ्रेश हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा फेसबुक पेज जो है देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा फेसबुक पेज ऐड हो चुका है। तो दोस्तों आप भी इस तरह से अपने ब्लॉगर पर फेसबुक पेज को ऐड कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों ब्लॉगर के इस थीम को डाउनलोड नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, आप वहां पर जाके इस ब्लॉगर के थीम को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने ब्लॉगर के थीम को कस्टमाइज कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपना खुद का मेनू कैसे लगा सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं इस मेनू के, और फालतू चीजें यहाँ पे कैसे हटा सकते हैं, इसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो